फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खड़े मसूर की पकौड़ी, जो कि बिना तेल की भी बनाएंगे और कम तेल में भी बनाएंगे। ये चाहे तो आप पेशेंट को भी खिला सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं खड़े मसूर का पकौड़े बनाना। कुछ हम बिना तेल का बनाएंगे और कुछ कम तेल से बनाएंगे। जिसके लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम खड़ा मसूर था, जो कि हमको ये फुल नाइट भिगो के हमने रख दिया था। अब इसको छान के पानी से हम निकाल लिए हैं। अब एक चम्मच हम जीरा ले लिए हैं और ये कुछ धनिया की पत्ती है जो काटकर हम साफ करके रख लिए हैं। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये लहसुन है जो कि छिलकर हमने रख लिया है। और ये एक टुकड़ा अदरक है। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे सबको मिलाकर। हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें सब चीज हम डाल देंगे। तो देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। ये थोड़ा दरदरा ही रहता है, ज्यादा महीन नहीं हो पाता है ये। और इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड नहीं किए हैं, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब देखिए ये मेरा पीस गया है। इसमें से हम थोड़ा निकाल लेंगे, जो कि तेल की पकौड़ी बनाएंगे कम तेल में। क्या तो? अब जो ये बचा हुआ मेरा पेस्ट है, इसमें इसको आपको हम बिना तेल का बनाकर दिखाएंगे। तो इसमें हम डालते हैं ये कटी हुई धनिया थोड़ी सी, और इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के अनुसार, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच हल्दी पाउडर और सबको मिक्स कर देंगे। इसमें हमको ज्यादा मसाला नहीं डालना है। अब देखिए सब सामान को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको बिना तेल का पकौड़े बनाकर दिखाती हूँ। हम गैस पर एक बर्तन रख दिए हैं, जिसमें एक गिलास हम पानी डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हमको ये प्लेट रख देना है और इसमें थोड़ा सा हमको ऑयल लगा देना है, ताकि हमको जो पकौड़ी बनाएंगे वो चिपकने ना पाए। अब ऑयल लगा के हम ये बर्तन इसमें रख दे रहे हैं। देखिए पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब इस पर हम ये पकौड़ी डाल रहे हैं। अगर पानी नहीं उबलेगा तो आपकी पकौड़ी इसमें चिपक सकती है, इसलिए पानी उबाल कर ही डालना है। अब इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक मेरा ये बॉयल हो रहा है, तब तक आपको हम वो कम तेल वाली पकौड़ी दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जो पेस्ट रखे हैं, इसमें हम क्या किए कि थोड़ा सा हम ये प्याज काट के रख लिए हैं, इसको इसमें हम डाल देंगे और थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया की पत्ती थोड़ी डाल देंगे, और इसी में हम एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं और हरी मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब इसको हमको सबको अच्छी तरीके से मिला देना है। चलिए अब खोल के चेक करते हैं हुआ है कि नहीं। एक नाइफ ले लेंगे, नाइफ से देखते हैं। देखिए नाइफ में मेरा चिपक नहीं रहा है, इसलिए मेरा ये तैयार हो गया है। ये पकौड़ी जो है बिना तेल की तैयार हो गई है। देखिए गैस को ऑफ करके ये प्लेट जो है हम बाहर निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, तभी इसमें से अच्छे से ये निकल जाएगी मेरी पकौड़ी। अब कम तेल वाली पकौड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गैस पर एक हम पैन रख देंगे, गैस ऑन है। अब देखिए इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल मेरा गरम हो जाए। अब इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे।
ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे चपटा करके हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। देखिए इस पेस्ट में हम पहले भी नमक डाले थे, इसलिए हम थोड़ा कम नमक डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज डाल सकते हैं, मसाला और मिर्च और नमक। चलिए देखिए पकौड़ी जो है अब दूसरी तरह से हम देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। इधर इसको हम पलटते हैं। देखिए मेरा ये तैयार हो गया है ये पकौड़ी। अब इसको हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी पकौड़ी रेडी हो गई। अब गैस को हम बंद कर देंगे और किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अब चलिए अब बिना तेल वाली पकौड़ी को देखते हैं कि तैयार हो गया कि नहीं। अब इसको निकाल लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, देखिए आसानी से निकल जाएगा। अब इसको भी हम किसी प्लेट में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों पकौड़ी रेडी हो गई है। अब देखिए कम तेल में बनाए हैं फिर भी ये कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है, इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ये पकौड़ी ट्राई करके बताइएगा और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा। थैंक यू।